पूरे देश में बीजेपी के प्रचार में जुटे हैं। महाराज जी, पूरा देश आपने घूमा है, क्या संभावना है इस बार? पूरे देश के अंदर एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ पुनः सरकार बनाएगी, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश 2014 की पुनरावृत्ति करेगा। देश में कोई भी सरकार बने बिना यूपी के सहयोग के और बिना यूपी की ताकत के नहीं बनती है, और आपने बहुत बड़ा नारा भी दिया है, उस लक्ष्य को पा रहे हैं आप? हाँ, मैंने कहा ना, 2014 की पुनरावृत्ति उत्तर प्रदेश से होगी। जब पुनरावृत्ति की बात मैं करता हूँ तो 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार की उपलब्धियाँ हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम 73 से अधिक सीटें यानी 74 प्लस का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। मोदी जी का नाम फिर बोल रहा है, ऐसा नहीं है, काम भी बोल रहा है, लेकिन इस बार जातियों का समीकरण गठबंधन का ऐसा बना कि आप लोगों के लिए मेहनत ज्यादा पड़ रही है। देखिए, बिना परिश्रम के कोई भी फल प्राप्त होता है तो उसकी लोग बहुत सम्मान नहीं करते हैं। परिश्रम से ही कोई चीज प्राप्त होनी चाहिए। परिश्रम से कांग्रेस को सत्ता मिली होती तो इतना भ्रष्टाचार नहीं करते। परिश्रम से अखिलेश यादव को सत्ता मिली होती तो प्रदेश में इतने गुंडागर्दी और इतना भ्रष्टाचार नहीं फैलाते। स्वाभाविक रूप से परिश्रम के बल पर ही ये आना चाहिए, और वास्तव में 5 साल तक मोदी जी ने परिश्रम किया। चुनाव के समय पब्लिक में अवेयरनेस आवश्यक है, और उसी अवेयरनेस की दिशा से भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार का एक तंत्र तैयार किया है। उस कार्यक्रम के सिलसिले में पूरे देश के अंदर हमें जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, और बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। मोदी जी के नाम और मोदी जी के काम से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है। अच्छा, आप बंगाल गए थे, वहाँ जिस तरह की स्थितियाँ बनी, आपने कहा कि वहाँ सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। देखिए, वहाँ पे पूरी सत्ता का राजनीतिकरण हो चुका है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका है। पंचायत चुनाव में वहाँ व्यापक हिंसा हुई थी। इस समय बंगाल में 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं, और पहला राज्य है जिसमें हर चरण में व्यापक हिंसा हुई है। बंगाल से ज्यादा सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हुए हैं, वहां कुल 33 सीटों पर चुनाव हुए हैं, हमारे यहाँ 67 सीटों पर चुनाव हुए हैं। 6 चरण हमारे भी यहाँ संपन्न हुए हैं, 6 चरण बंगाल में भी हुए हैं। उनके यहाँ हर चरण में व्यापक हिंसा हुई है, हमारे यहाँ हर चरण शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, सरकार का कोई नियंत्रण इस प्रकार की अराजक तत्वों और गुंडों पर नहीं है। और इसलिए मैंने कहा था, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के ऊपर हमला हुआ और जानलेवा हमला हुआ, पेट्रोल बम फेंके गए, गुंडागर्दी की हद हो गई, उन स्थितियों में वहां पर मुझे लगता है कि बहुत सख्त कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो भी लगातार यहाँ रोड शो और हमले करते हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री पर कई हमले किए, क्या कहेंगे? देखिए, सब लोग चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, चुनाव के बाद तो सब लोग गायब हो जाते हैं। देश में कोई विपत्ति आती है, राहुल जी हों या प्रियंका जी हों, सब इटली नजर आते हैं, भारत में नहीं नजर आते हैं। इसलिए उनकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस यूपी में 0 है, 0 थी और 0 ही रहेगी। आपकी सरकार यूपी में सफलतापूर्वक चल रही है, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ आपने हमेशा सख्त रवैया दिखाया, आने वाले समय में भी ये जारी रहेगा? हाँ, क्यों नहीं, हमारे एजेंडे का हिस्सा है। विकास सब तक पहुंचेगा, शोषण किसी का नहीं होने देंगे, अराजकता और गुंडागर्दी के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं होगी। आखिरी चरण में आपकी गोरखपुर सीट है, क्या अपील करेंगे आप जनता से? गोरखपुर ही नहीं, हमारी 13 सीटें आखिरी चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की हैं, 13 की तरह सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति के ऐसे संत हैं जो जनता से किए गए वादों को जमीनी हकीकत में बदलने का इरादा रखते हैं, और उनकी
ईमानदार छवि और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। वीरेंद्र सिंह, भारत समाचार, गोरखपुर।